हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 8। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। फाइंड द नंबर। कह रहा है कोई नंबर है जो कि टू डिजिट का है। टू डिजिट समझते हैं कि जैसे आपका 85 है, 95 है, 10 है, मतलब 10 से लेकर आपका 99, 10 से लेके 99 तक आपका कितना डिजिट है? आपका टू डिजिट है। तो वही कह रहा है कि आपका टू डिजिट का नंबर है। ठीक है। तो नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, एक नंबर जो है जो टू डिजिट का नंबर है, और जब दोनों डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे 8, देखो 8 है अब प्लस 5, तो आपको कितना मिला? 13 मिला। उसी तरह जब उस दोनों डिजिट को ऐड कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है। ठीक है, अगर 18 इज एडेड टू द नंबर, इफ कह रहा है अगर उस नंबर में हम 18 ऐड कर दे रहे हैं तो वह नंबर क्या हो जाए? रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब समझो कि जैसे आपका 85 है, ठीक है, समझो 85 नंबर है, ये टू डिजिट का है, 1, 2। ठीक है, जब आपने इसको जोड़ा तो आपका 13 आ गया। ठीक है, और जैसे ही आपने 85 में आपने 18 जोड़ रहा है तो यह रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स मतलब समझते हो, ये जो आपका 5 जो यूनिट प्लेस पे था अब ये 10th प्लेस पे जाएगा, और जो 8 जोता है आपका जो 10th प्लेस पे है अब वो यूनिट मतलब 5, 8 हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाए, वही बात है आपका रिवर्स होना, मतलब अब डिजिट जोता है अपने जो पोजिशन को, अपने प्लेस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, समझ गए। तो देखो कि मान लो कि सपोज लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, हमने माना कि वह नंबर एक्स है। ठीक है, और वह नंबर आपका टू डिजिट का बना हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका सॉम देखो, सॉम ऑफ डिजिट कितना है? 8। मतलब उस टू डिजिट नंबर में जब दोनों डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। देखो मैंने यहाँ जोड़ा 8 + 5 = 13, ये आपको एज एग्जाम्पल दिया, ये नहीं है, ये एज अ एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, देन आपका सॉम आपका कितना है? 8 है। ठीक है, तो इसकी 10th डिजिट कितना होगा? देखो TEN 10th डिजिट। ठीक है, तो 10th डिजिट यह आपका लेट द यूनिट डिजिट। ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, और सम ऑफ टू डिजिट, दोनों डिजिट सम करने पर कितना? 8 आ रहा है। तो 10th डिजिट कितना होगा? सपोज समझो यहाँ पर देखो यहाँ पे मान लो कि आपका यह वाई हो गया और यह एक्स हो गया, दो डिजिट है, मान लो ऐसे ये आपका दो डिजिट है, यह वाई हो गया और एक्स हो गया। जैसे ही आपने वाई प्लस एक्स कर रहे हो तो आपका कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका एक्स तो वाई इक्वल टू कितना होगा? तो वाई इक्वल टू आपका 8 - x हो जाएगा। देखो आपका तो एक्स क्या था, ये यूनिट आपने जानते हो, एक्स जोता है ये आपका क्या है? 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, 10th प्लेस है मतलब ये नंबर है, टू डिजिट का नंबर है, और ये जो था आपका एक्स जो है ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। तो एक्स इक्वल टू आपने क्या है, एक्स जो आपने यूनिट प्लेस बनाया तो 10th प्लेस क्या होगा, ये वाई जो है आपका 10th प्लेस मतलब दहाई के जगह पर गया, यहाँ वाई वाई इंटू एक्स, तो एक्स इक्वल टू आप एक्स निकल गया आपने यूनिट प्लेस को माना, और वाई इक्वल टू क्या होगा आपका 8 - x, मतलब 10th डिजिट होगा आपका 8 - x होगा। तो नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा? तो देखो तो नंबर विल बी क्या होगा, नंबर विल बी क्या होगा, तो नंबर विल बी देखो, अब समझो एक और समझना है आपको कैसे करना है। जैसे हमने सोचा कि 85 है, 85 को आपने कैसे लिख सकते हैं एक्सपांडेड फॉर्म में? ऐसे लिखते हो कि 8 देखो ये 1 प्लेस है और ये 10th प्लेस है, तो जब आप क्या करते हो 8 इंटूज होता है, और इसके लिए देखो 8 को ढकोगे इसे कितना डिजिट 1 है, तो 10^1 लिखते हो प्लस 5 × 10^1 इधर 10^0 लिखते हो, मतलब 8 × 10^1 मीन्स 10 और प्लस 5 × 10^0 मीन्स 1 मीन्स 5, ऐसा लिखते हो एक्सपांडेड फॉर्म में। तो मतलब यही जो 80 ये क्या होगा आपका 8 × 10 मीन्स 80 + 5 = 85 के बराबर आ गया। उसी तरह देखो तो नंबर है, आपने माना है कि x को यूनिट डिजिट और 8 - x को 10th डिजिट, ये 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे
10 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस एक्स, ओके, ये आपका नंबर क्रिएट हो गया, ठीक है, यह आपका नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जैसे ही आप 18 ऐड कर रहे हो नंबर में, तो आपके नंबर जो था, आपके डिजिट जो था रिवर्स हो जा रहा है, मतलब आपके नंबर के जो डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो 85 है, जब आप 18 जो रहे हो तो ये 5 और 8 हो जा रहा है, मतलब जो जो यूनिट प्लेस पर था वो 10th प्लेस पर चला गया, जो 10th प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर चला गया, ठीक है। तो कह रहा है बाई एडिंग 18 डिजिट इज रिवर्स्ड, डिजिट इज रिवर्स, ठीक है। तो अब देखो, अब डिजिट रिवर्स हो रहा है तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या हुआ आपका हुआ 8 माइनस एक्स, आपका यूनिट डिजिट हो गया। और 10th डिजिट जो है, 10th डिजिट क्या हो गया आपका, अब एक्स हो गया, ठीक है। 18 जैसे ही आपने ऐड किया इस नंबर में जैसे ही आप 18 ऐड किया 18 ऐड किया, तो आपके नंबर जो था है, नंबर की जो डिजिट है वो रिवर्स कर गया, मतलब जो यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे चल गया, जो 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चल गया, ठीक है। तो अब देखो, तो नंबर विल बी क्या होगा, तो देखो, तो आपको समझाया इस फॉर्म में, तो ये आपका 10th, देखो आपका 10th डिजिट ये क्या होगा, तो लेंथ नहीं लिख रहा, सॉरी, ये आपका 10th होगा, 10th डिजिट मतलब दहाई वाला, तो दहाई मतलब आप इसको लिख सकते कैसे, 10 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हो 8 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, पहले आपका नंबर क्या था, आपका नंबर था 10 इंटू 8 माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स था, ठीक है, आपका नंबर यह था। जैसे ही आपने इस नंबर में 18 ऐड किया आपका नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, 10x प्लस 8 माइनस ऑफ एक्स, मैंने रिवर्स हो गया मतलब उल्टा हो गया, उसके डिजिट जो था रिवर्स हो गया, तो उसके इक्वल हो गया कि नहीं, जैसे इस नंबर में आपने 18 ऐड किया तो उसके रिवर्स हो गया, तो आपको नंबर पता करना है, ठीक है। नंबर तो कैसे नंबर पता करोगे, देखो, तो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 8 मीन्स 80, और 10 आपको प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, एंड 10 इंटू एक्स मीन्स 10x हो गया, प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो अब कैसे होगा, तो देखो आपका इधर हम क्या करें, नेगेटिव वालों को इधर ला रहे हैं, नेगेटिव ऑफ 10x, इधर नेगेटिव ऑफ 10x प्लस, इस साइड नेगेटिव होगा और इधर आपका प्लस एक्स, और इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर आपका 8 हो गया, और उसके बाद 18 जो है प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, एंड देन अब 80 जो होता है इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मीन्स जो था अब कितना हो गया, तो देखो ये आपका क्या है, आपका सेम साइन है, सेम साइन को ऐड करो, नेगेटिव लगा दें, 20 प्लस जो होता है ये आपका सेम साइन है, तो मतलब 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ 8 माइनस ऑफ, इसको देखो नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, मीन्स 0 प्लस 8 मीन्स 8, और 8 प्लस 1 मीन्स 9, 98, ओके। तो देन अब देखो ये आपका 20x होगा, तो यहाँ अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन केस में क्या करते हो, और सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है बड़े में से छोटे को, 20 में से दो गया 18 और x, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दोगे, ठीक है। और देन जोता है आपका जोता है, इसमें भी अपोजिट साइन या प्लस है या माइनस है, मीन्स अपोजिट साइन जिसके कारण बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह कितना हो गया, 98 में से 8 गया 90 हो गया, ठीक है। देन आपका माइनस होगा, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब देखो क्या होगा, 18 से ये कट जाए, 18 पच्चे 90, मिस एक्स इक्वल टू आपका 5 हो गया, एक्स इक्वल टू 5 आ गया। आपका नंबर क्या था, नंबर आपने चूज किया था 10 इंटू जो है 10 इंटू 8 माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स, यही नंबर था आपने नंबर चूज किया था। तो देखो, तो 10 इंटू 8 माइनस एक्स क्या था, 5, प्लस एक्स कितना था, 5, ठीक है। तो आपका नंबर कितना हो गया, तो 10 इंटू 8 में 5 गया 3 प्लस 5, मतलब मीन्स 10 इंटू 3 मीन्स 30, अब प्लस 5 मीन्स 30
35 हो गया, मीन्स आपका जो नंबर है 35 हो गया। जैसे ही इस 35 में देखो, अब समझो 35 में जैसे ही आपने 18 ऐड कर दिया था तो आपका नंबर क्या हो गया, तो रिवर्स हो गया। देखो कैसे हो गया, 8 5 13 के 3 और आपका 3 3 1 4 5 53 हो गया था 18 ऐड किया, तो यही आपका नंबर है ऐसे, तो आपका 53। हैंस लिखोगे यहाँ, हैंस द नंबर इज 35। एक बार और समझ लो, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आपका 10 से लेके 10 से लेके 99 तक, ठीक है, 10 से लेके 99 तक लाई करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि 85 है, तो 85 में 2 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट है, ठीक है, और इस दोनों को ऐड करने पर कितना रहा है, 13 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होता है आपको 2 डिजिट को ऐड करने पे आपका 8 आ रहा था, ठीक है। तो हमने माना कि यूनिट डिजिट को x है, तो उसकी सम ऑफ डिजिट को आपका 8 आ गया, 10 डिजिट कितना होगा, 8 माइनस एक्स कैसे, तो देखो हमने कहा था कि आपका मान लो ये 10 डिजिट है और ये आपका यूनिट डिजिट होता है कि ना, इस तरह 1s 10s 100 इससे होता है, तो आपका ये 10th डिजिट है या यूनिट डिजिट है, ये दोनों डिजिट को आपने ऐड किया तो आपका 8 आ गया। x तो आपका यूनिट डिजिट है, तो y इक्वल टू क्या होगा, आपका 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स क्या आपका 10th डिजिट है, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, आपको मैंने समझाया था कि 85 को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हो, आपका 8 × 10, क्योंकि आपका ईयर 10th पोजीशन पे है, तो इधर आप जैसे 8 को रखते हो तो कौन सा कितना डिजिट बच रहा है, 1 बच रहा है, मीन 10^1 होगा, और जैसे यहाँ 5 को लिखते हो तो 5 × 10^0 का है कि इधर कोई डिजिट नहीं बचता है, तो मीन्स आपका 8 × 10 + 5 कैसे आपने किया। तो देखो जब इसे नंबर में फॉर्म बनाना है तो आपका किधर गया, तो देखो ये आपका यूनिट डिजिट मिल गया, 10 डिजिट मिल गया, लेकिन नंबर कैसे होगा, जब आप 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस एक्स कर दोगे तो आपका नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे ही हमने इसमें 18 ऐड किया तो आपका नंबर रिवर्स हो गया, मतलब नंबर नहीं डिजिट रिवर्स हो गया, मतलब जो डिजिट यूनिट प्लेस, मतलब देखो 85 है, जैसे आपने अब तो आपका तो अब तक एग्जांपल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको अभी समझ 35 है, 35 में जैसे ही आपने 18 ऐड किया तो आपका नंबर जो डिजिट है वह क्या रिवर्स हो गया, मतलब अब 53 हो गया, मतलब जो यूनिट प्लेस पर था वह 10th प्लेस पर चला गया, जो 10th प्लेस पर था वह यूनिट प्लेस चला गया, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही आप उस नंबर में 18 ऐड किया तो आपका नंबर रिवर्स हो गया, तो नंबर क्या होगा, तो आपने x के वैल्यू निकाला 5, तो उसका नंबर आपका यही था 10 × 8 − x = + x, जैसे ही आपका नंबर निकाल दिया x इक्वल टू कितना हुआ 35 हो गया, ठीक है, नंबर इज 35। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों के। थैंक यू फ्रेंड्स।